मेरा जो एक लास्ट वीडियो था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर ऑनलाइन बीसीए कोर्स, तो उसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया बीसीए के लिए ऑनलाइन में कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं उसके लिस्ट का वीडियो लाओ। तो आ चुका है ऑन डिमांड ये वीडियो, तो इसमें मैं आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज की डेट में इंडिया में बीसीए कोर्स ऑनलाइन मोड में ऑफर करते हैं, और साथ साथ सबके प्रोज एंड कॉन्स भी आपको थ्रू आउट द वीडियो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिसको नंबर वन पर रखा है मैंने, वो है मणिपाल यूनिवर्सिटी। एक बात आपको बता दूँ कि इंडिया के अंदर जितने भी ऑनलाइन बीसीए यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उसमें मणिपाल यूनिवर्सिटी दी बेस्ट में आता है। जी हाँ, इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बात करें मणिपाल यूनिवर्सिटी स्टार्ट कब हुआ था, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि 2003 में स्टार्ट हुआ था। ओनरशिप की बात को तो आप सबको पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और मणिपाल ऑनलाइन के नाम से ये जाना जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करो यहाँ पे बीसीए में एडमिशन लेने के लिए, तो मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th में, और साथ ही साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 40% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और एक और बात, अगर आपके क्लास 12th में मैथ नहीं है ना, तो भी आप जो है मणिपाल यूनिवर्सिटी से बीसीए कंप्लीट कर सकते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का ब्रिज कोर्स आपको जो है ऑफर करा जाता है। अगर बात करें अप्रॉक्स टोटल फी की, तो तकरीबन 1,35,000 रुपए यहाँ पे आपका टोटल फी बैठेगा अगर आप यहाँ से जो है बीसीए करते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है onlinemanipal.com, ध्यान रखना आप, क्योंकि बहुत ज्यादा फेक वेबसाइट्स भी आजकल आ गए हैं मार्केट में। प्लेसमेंट सपोर्ट की बात करो तो यस, यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। नंबर दो पे मैंने जिसको रखा है वो एमिटी यूनिवर्सिटी, बहुत ही पॉपुलर है ऑनलाइन के मामले में। ये भी 2005 से चल रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एमिटी ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करो तो आपका क्लास 12th होना मस्ट है, साथ ही साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है एज सच। पे बात करें अप्रॉक्स की, तो यहाँ पे भी तकरीबन 1,35,000 रुपए का टोटल कॉस्ट आपका बैठने वाला है बीसीए करते हैं तो। और एक और बात की, एमिटी यूनिवर्सिटी स्पेशलाइज्ड बीसीए कोर्स भी ऑफर करती है, जैसे डेटा एनालिसिस का हो गया, क्लाउड एंड सिक्योरिटी जैसे स्पेशलाइजेशन में ये बीसीए कराते हैं। वेबसाइट की बात करूँ तो emityonline.com इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट देखने को मिलता है। रैंक 3 पे मैंने जिसको रखा है वह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एलपीयू के नाम से जाना जाता है। 2005 से यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ऑनलाइन में, ये एलपीयू ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बीसीए कंप्लीट करने के लिए आपका क्लास 12th होना मस्ट है, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं कोई मायने नहीं रखता है, आप बीसीए कर सकते हैं। अप्रॉक्स फी की बात करो तो 29,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पे फी आता है, लेकिन क्या है कि अभी डिस्काउंट चल रहा है तो यहाँ पे तो तकरीबन आपको 25,250 रुपये पर सेमेस्टर का फी बैठेगा अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं। तो हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं तो वो डिस्काउंट जो यहाँ पे खत्म हो जाए। वेबसाइट की बात करूँ तो lpuonline.com इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट्स देखने को मिलेगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है ना, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं है, ऐसे धोखे में रखने वाला वीडियो नहीं है ये। नंबर 4 पे मैंने जिसको रखा है यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 2012 से यूनिवर्सिटी चली है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर आप बीसीए करना चाहते हैं ना, तो आपका क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना मैंडेटरी है, तभी जाकर के आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और अप्रॉक्स टोटल फी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑनलाइन बीसीए कोर्स के लिए, तो तकरीबन आपको जो है 1,24,000 रुपये का अप्रॉक्स टोटल फी यहाँ पे बैठने वाला है। वेबसाइट की बात करूँ तो onlinecu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। और एक और बात क्लियर कर दूँ कि जितने भी यूनिवर्सिटीज मैंने अभी तक बताया ना, सब में आपका टाइपिंग स्पीड होना मस्ट है एग्जाम देने के लिए, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्या है कि यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर्स पूछे जाते हैं, जो 4 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि 800 से लेकर के 1,000 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। लेकिन बहुत ज्यादा कंप्लेंट क्या आ रहा है कि जैसे ही आपने 800 वर्ड्स से कम में अपना आंसर दिया ना, तो क्या होता है कि आपको ऐसे ही मतलब मार्क्स काट लिए जाते हैं, या मिनिमम 800 का रिक्वायरमेंट रखते हो। तो अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और आप अच्छा लिख लेते हैं, मतलब लंबा लंबा लिखने में आप एक्सपर्ट है, तो इस यूनिवर्सिटी को आप चूज करना, नहीं तो फिर लास्ट में मार्क्स की दिक्कत आ जाएगी। अब क्या है ना कि आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपको चूज करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड कर देता हूँ, collegevidya.com। ये वेबसाइट है, बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज देखने को मिल जाएगा जो ऑनलाइन बीसीए का कोर्स कराते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे खास है कि यहाँ पे ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटी को साइड बाई साइड रख के कंपेयर भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी में आपके जो टारगेट यूनिवर्सिटीज हैं उसको आप साइड बाई साइड रख के कंपेयर करो, फिर देखो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा यूनिवर्सिटी सूट करता है आपको, तो डायरेक्टली आप यहीं से अप्लाई भी कर लो। तो इसमें क्या होगा कि आप जो है फेक वेबसाइट पे भी जाने से बच जाएंगे, और कॉलेज भी जो है ना ये EMI की फैसिलिटी भी ऑफर करती है, तो आप वो भी आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली चेकआउट करना, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है collegevidya.com का, यहाँ पे जाना और डेफिनेटली अलग अलग बीसीए के कॉलेजेस को आप कंपेयर करके देखना, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बेस्ट है। हो सकता है कि मणिपाल बेस्ट है आज की डेट में वैसे ऑनलाइन बीसीए के कोर्स के, तो हो सकता है लेकिन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एमिटी बेस्ट लगता हो, तो डेफिनेटली collegevidya.com विजिट कर लेना। अगला है इग्नू ऑनलाइन। जी आप सब लोगों ने इग्नू का नाम डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन डिस्टेंस के कोर्सेज के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऑनलाइन कोर्स के लिए। जी हाँ, ऑनलाइन बीसीए के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो फी आता है इग्नू से ऑनलाइन बीसीए करने में, 6,000 पर सेमेस्टर का आपका फी बैठेगा। और वहीं पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपका क्लास 12th होना मस्ट है, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं आप यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इग्नू में जो है प्लेसमेंट सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। वहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो iop.ignuonline.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। नेक्स्ट जो है अमृता यूनिवर्सिटी, 1994 से ये चल रहा है, प्राइवेट कॉलेज है, अमृता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ऑनलाइन बीसीए में एलिजिबिलिटी क्या लगता है, तो मिनिमम 45% मार्क्स आपके क्लास 12 पे होने होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक का कोर्स किया है ना, तो भी आप एलिजिबल हैं। बात करें फी की, तो अप्रॉक्स 25,000 रुपये पर सेमेस्टर आपका यहाँ पे फी आएगा। मैं भी अमृता यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन बीसीए कोर्स में प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विस देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस जैसे एसआरएम का हो गया, यहाँ पे आपको एसआरएम 21,500 रुपये का पर सेमेस्टर फी आएगा, लेकिन अगेन प्लेसमेंट्स का चर्चा भी नहीं करते ये लोग, तो फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि तकरीबन 12-15 ही ऑनलाइन में बीसीए कराने वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं आज की डेट में इंडिया में, जो यूजीसी की वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। उसके अलावा होंगे तो अलग बात है, उससे करने का कोई बेनिफिट भी नहीं बनता। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑफलाइन में तो कुछ कर ही नहीं पाते, तो ऑनलाइन में क्या ही वो आपको प्लेसमेंट्स दे पाएंगे। लेकिन जो मैंने आपको टॉप में लिस्ट बताया ना, उसके अलावा भी और सारे कॉलेजेस हैं जिसको आप चूज कर सकते हैं, जैसे शास्त्र यूनिवर्सिटी हो गया, ZLA यूनिवर्सिटी मथुरा हो गया, मानव रचना का जो फरीदाबाद में वो हो गया, जामिया हमदर्द ऑनलाइन हो गया, इन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप चूज कर सकते हो।